ये जात को देकर के ऐसा लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। जाने कितने लोग खाने में मार दिए गए, उत्तर प्रदेश नंबर वन है खानों में जान जाने वाले। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है। ये कहते हमारी दमदार सरकार है, ये इनकी दमदार सरकार नहीं है। इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। इनकी दमदार सरकार नहीं है, दमदार झूठ है। और दमदार झूठ वालों ने सोच को कैसा करके दिखाया। ललितपुर की वो तस्वीर जो ही भूल नहीं सकता, जब किसान अपने हक को मांगने निकले, यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके दिल पर जीत चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चला दिया गया। ये है अन्याय। किसान अपना हक मांग रहे थे और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये केवल वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। ये किसानों का हित नहीं चाहते हैं। किसान खुशहाल तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कपड़े को खेत से रवाना हो जाएगी, तब जाकर के हमारे किसान जो लोग किसान पर जीत चढ़ा दे कुशल दे किसान, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? चाहते नहीं कि भला होगा। इसलिए किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापारी बर्बाद हुआ है और जात और धर्म के खेल में उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहने आए हैं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में ललितपुर भी विकास में पीछे नहीं रहा, हम लोग विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर चलेंगे।